क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे सीधा इसको ये देखो 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, अब यहाँ पे कितना आएगा प्लस एक्स माइनस 3 प्लस कितना आएगा 3x प्लस 9। अब ये जो है हमने एलसीएम इस इक्वल टू 0 मींस 0 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई थ्रो आउट बाय एक्स माइनस 3 और 2x बाय प्लस 3, ये हो गया। अब इसको ये जो है इक्वल टू 0 इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कितना आ गया 4x स्क्वायर 6x प्लस 3x 9x प्लस x कितना हो गया 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या गया है, हमने 2 कॉमन ले लिया 2x स्क्वायर, अब 2 को इससे डिवाइड कर दिया 0 आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x जो है हमने कॉमन सॉरी 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड किया 0 से, कितना आ गया 2x। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या किया हमने 2x जो है हमने कॉमन ले लिया x प्लस 1 आ गया, फिर क्या किया हमने 3 कॉमन ले लिया x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया, दूसरा क्या बना 2x प्लस 3 और x प्लस 1। यहां से समझ आ गया ये जो हमने एलसीएम लिया इसको 0 से डिवाइड किया मींस 0 हो गया। उसके बाद हमने 2 कॉमन लिया 2 को 0 से डिवाइड किया 0 हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 x इज इक्वल टू माइनस 1। उसने कहा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट जो है वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। ये समझ आ गई ना आपको। अब इसमें क्या है हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स जो है ले लिया माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लिया ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 गया माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, ये को इसमें कॉमन क्या लिया हमने बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया कितना बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितने आ गए माइनस 1 है सॉरी माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये देखो बी स्क्वायर एक्स इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो कितना बचा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों में ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 दोनों तरफ है, तो इसको कॉमन ले लिया तो एक स्टेटमेंट ये बन गई ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, ठीक
ठीक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।